आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मैं ये केस प्रेजेंट कर रही हूँ, इसके लिए HSH की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये केस है 54 इयर्स ओल्ड लेडी का और साथ में ही उनके 27 साल की बेटी का। टेलीफोनिक कंसल्टेशन है, वो MP में रहते हैं, मैं महाराष्ट्र में थाना डिस्ट्रिक्ट बदलापुर में रहती हूँ। 29 अक्टूबर 2023 को केस लिया है। उनको पैर की कमर की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने 11 सितंबर 2023 को ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन लिया था तो उन्होंने बताया कि टेंडन का टीयर है और फुट के पास एंकल जॉइंट के पास आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा क्या आपके पास कोई होम्योपैथिक दवाई है क्या टेंडन टीयर के लिए, भी आपको तो पता है मेरी बड़ी बेटी की शादी है फेब्रुवरी में, अभी ऑपरेशन करूंगी तो 3 महीने कंपलसरी बेड रेस्ट लेना पड़ेगा और 3 महीने तो संभालना पड़ेगा ना। मेरी भाभी के भैया ने बिल्कुल केयर नहीं करी थी तो अभी तक वो लंगड़ा रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं होना है। तो जब तक शादी न हो जाए मार्च तक अगर आप कोई दवाई दे सके जिससे मुझे रिलीफ मिले तो प्लीज़ कुछ करिए, अभी तो मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने उनका पेपर भेजा था, उसमें डॉक्टर के कंसल्टेशन में लिखा, डायग्नोसिस लिखा था लेफ्ट टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन डिसफंक्शन स्टेज 2, प्रोग्रेसिव पेनफुल स्वेलिंग, प्रोग्रेसिव कोलैप्सिंग फुट डिफॉर्मिटी लेफ्ट इज मोर देन राइट, हील वेलगस इज इक्वल टू 20, स्प्रिंग लिगामेंट टेंडर क्वेरी टेयर, टालो नेविकुलर अनकवरेज मोर देन 30%, लॉस ऑफ मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च, मेरीज एंकल 18 लेफ्ट एंड 13 इज राइट, PVID L4 L5 एंड L5 S1, पैरालंबर स्पैज़म इज देयर, राइट रेडिकुलोपैथी इज देयर, शी वॉज एडवाइज कैल्केनियन ऑस्टियोटोमी, स्प्रिंग लिगामेंट रिपेयर एंड FDL टेंडन ट्रांसफर। तो ये सब हुआ है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना। उन्होंने पहले मेरे पास से ट्रीटमेंट ली हुई थी जब उनका बेटा इंदौर में पढ़ने के लिए गया था, तो शी वॉज गोइंग अंडर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तभी वो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से उनको काफ़ी रिलीफ था, तो इसीलिए उन्होंने इस बार कॉल किया था। सो आई आस्ट आपको क्या तकलीफ है, तो उन्होंने बोला भयंकर दर्द है, खड़ी नहीं रह पाती, चल नहीं पाती, आपको तो पता है हमारा ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर का घर है, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान देना कितना मुश्किल है, वैसे तो मेड है लेकिन मुझे ही सब चीज़ें जहाँ है वहीं रखी हुई चाहिए, एकदम साफ सुथरी चाहिए, अब वो नहीं हो पा रहा है, उसमें अभी बड़ी बेटी की शादी भी है, उसकी तैयारी करनी है, आपको तो पता है हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अभी उसकी सभी शादी की तैयारी मुझे ही करना है, बड़ी बेटी तो पूना में है तो वो अभी जॉब कर रही है तो वहाँ से कितना वो हेल्प कर पाएगी, अभी मुझे ही सब देखना है, और बेटा तो इंदौर में आपको पता है, मेरे साथ अभी मेरी सेकंड बेटी है लेकिन उसकी कुछ हेल्प नहीं होती है। तो मैंने पूछा कि ये कैसे कैसे हो गया, गिर गए थे, मोच आ गई थी, कैसे हो गया, तो पेशेंट ने बोला नहीं ना अपने आप हुआ, तो आई वॉज सरप्राइज, अरे अपने आप कैसे हो गया, तो हाँ अपने आप ही हुआ है। तो मैंने पूछा कि कुछ टेंशन है क्या, पेशेंट टुक अ पॉज एंड सेड क्या बताऊँ, आई थॉट शी विल टॉक अबाउट टेंशन रिलेटेड टू मैरिज ऑफ हर एल्डर डॉटर, देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, बहुत परेशान हूँ, ये जो मेरी सेकेंड बेटी जो घर में है वो बहुत परेशान करती है, उसको दवाई कर सकते हो क्या आप, वो तो ना साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जाएगी, काउंसलर के पास भी नहीं जाएगी, और उसको अगर आप दवाई दोगे तो मुझे ऐसे ऐसे देना पड़ेगा कि उसको पता न लगे, ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या इतना परेशान करती है, बहुत परेशान करती है, अकेली रहती है, उसके फ्रेंड्स भी नहीं हैं, बहुत सोचती है, रात में ज़्यादा परेशान होती है इसलिए रात भर सोती नहीं, सुबह 3:30-4 बजे सोती है, तो ऑब्वियसली दूसरे दिन उठ नहीं पाती है,
तो उठती है तो दूसरे दिन 12 बजे 1 बजे उठती है, तो सारा खाना पीना टाइम से नहीं होता है। अब मैं बड़ी बेटी से बात करूँगी, वो तो बड़ी बेटी कब से बाहर ही है, वो कभी कभार आती है, तो वो आती है तो मैं उससे प्यार से बात करूँगी, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है हाँ वही है तुम्हारी प्यारी बेटी, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन वो खुद उसके साथ अच्छी रहती है। बचपन में कितनी हंसमुख और समझदार थी मेरी बेटी, एकदम बिंदास थी। दादा दादी को भी छेड़ती थी, स्कूल में भी मस्ती के लिए फेमस थी। आपको पता है 11 महीने की थी तभी उसका मुंह का ऑपरेशन हुआ था, उसको बाय बर्थ पैलेट में होल था, फिर भी कभी परेशान नहीं की। 2019 में थायराइड भी डिटेक्ट हुआ था, वो भी कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी हाइपो होता है कभी हाइपर होता है, लेकिन अभी बहुत परेशान करती है। पहले भी थोड़ा थोड़ा था उसका, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन अभी तो बहुत बहुत ही बढ़ गया है। मैंने पूछा क्या क्या है, कैसे परेशान करती है, तो उन्होंने बोला कि भगवान और गैया के बारे में बहुत सेंसिटिव है, पूजा के बर्तन अगर किसी ने, अगर उनके मेंसेस है चालू है तभी छुए तो सारे के सारे बर्तन हटा देती है, जबकि सारे बर्तन चांदी के हैं। पहले अंडा नॉनवेज खाती थी और अभी खाती तो नहीं है, और घर में बिल्कुल पकाने भी नहीं देती है, बहुत झगड़ा करती है, खुद उसके ध्यान में नहीं रह पाता है तो प्रसाद खाना भूल जाती है, वो प्रसाद पड़े पड़े सड़ जाता है फ्रिज में, लेकिन हटाने नहीं देती है। और उन बोला कि अभी अभी तो हटाना चाहिए ना, अभी इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बोलती है नहीं उसको अलाहाबाद के नदी में जाके हम विसर्जित करेंगे, उसकी चोटी काटी पार्लर में, तो वो बाल भी संभाल के रखी है, वो भी बोली कि अलाहाबाद के नदी में जाके विसर्जित करेंगे। अलाहाबाद कितना लंबा है, अभी कौन जाएगा उसके साथ, कैसे करेंगे। वो उसका कहना है कि अगर ऐसे ही फेंकी तो कोई जादू टोना कर जाएगा। पहले तो इतना परेशान नहीं करती थी, जैसे ही कोविड आया और कोविड में साफ सफाई का क्रेज़ आया, बहुत परेशान करने लगी। उसकी चीज़ें उसने कैसी भी रखी रहेगी तो चलेगा, किसी और ने उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, वो खुद ही अपनी चीज़ को रखेगी बराबर। कभी किसी चीज़ को चींटी लग गई तो सारी की सारी चीज़ें बर्तन तक फेंकना पड़ता है, क्योंकि चींटी नॉनवेज खाती है, कीड़ों को खाती है। मेरी स्कूटी मैंने हमारे यहाँ काम करने वाले लड़के को निकालने के लिए कहा, तब से मुझे स्कूटी भी चलाने नहीं देती, क्योंकि वो लड़का हमारे लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ करता है, बाकी काम तो करता ही है लेकिन वो भी काम करता है, बहुत परेशान करके रखा है। डस्टबिन को छुए कि नहीं, कितने दिन तक उसका कचरा वैसे ही जमा रहेगा, मुझे भी हाथ लगाने नहीं देगी, कौन सी चीज़ में कब उसको गंदगी दिख जाएगी पता नहीं, मुझे 24 घंटा डर लगा रहता है कि ये चीज़ रखूँ कि नहीं रखूँ, किस बात पर बिगड़ जाएगी पता नहीं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि लगता है उसे मार डालूँ, कभी लगता है मैं अपने आप को कुछ कर दूँ, फांसी लगा दूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं ना, पहले भाई के डर में रही, शादी के बाद में सास ननंद, और अभी बेटी, मैं तो अपना जीवन ही नहीं जी पा रही हूँ, अपने ही घर में चोरी से रहती हूँ, डरती हूँ कि कब लड़ेगी। मुझे सब समझता है कि वो परेशान है, लेकिन मैं उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, उसको भी समझता है कि वो गलत व्यवहार कर रही है, इसलिए बोलती है कि मेरी बातें किसी के सामने उछालो मत, उसको भी शर्म महसूस होती है, वैसे तो वो भोली है, कोई भी रोते तो पिघल जाती है, आलसी है कमज़ोर है। उसके सारे फ्रेंड्स आके निकल गए, अपने आप को लूज़र फील करती है। CS के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 बार क्रैक नहीं कर पाई, बैंक कोचिंग भी छोड़ दी बीच में, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। मैंने पूछा क्या ये सारी परेशानी तुम्हारा घर अलग होने के बाद पड़ी। पहले तो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, पूरी बड़ी फैमिली थी उनकी, सास ससुर देवर देवरानी, और अभी उन्होंने अपना खुद का घर बनवा लिया। तो मैंने उस पूछा कि क्या उसके बाद से चालू हुआ, और क्या वो ये सब बिहेवियर दादा दादी या घर के किसी सदस्य में उसने देखा है। उन्होंने कहा
नहीं, मेरी एक दिवाली थोड़ी बहुत वैसी थी, लेकिन इतना किसी को परेशान नहीं करती थी। मेरी बेटी किसी तरह ठीक हो जाए, कुछ तो करो, कोई ऐसी दवाई देना मैं चुपचाप दे सकूँ। उसे ना एनिमल्स से बहुत लगाव है, जैसे कि अनाथ एनिमल्स रहते हैं ना, जैसे रास्ते का कुत्ता है या कोई पंछी है, उनको कुछ लगा हुआ है, जख्मी हो गए तो खुद उनके पास जाती है, उनको घर ले आती है, उनकी सेवा करती है। और अभी एक गया आती है हमारे यहाँ मोहल्ले में, तो अभी उसकी डिलीवरी हुई है, लेकिन उसकी जो मालकिन है वो उसके तरफ ध्यान ही नहीं देती है, तो पीछे ही पड़ी है कि आप पैसे दे दो उसके मालकिन को और वो गैया को ख़रीद लो और अपना जो फार्म हाउस है ना वहाँ पे हम रख लेंगे। वो कहती है कि मुझे यही करना है, मुझे बस यही जो पशु है जिनको कुछ तकलीफ है उनकी सेवा करनी है, मैं खुद ख्याल रखूँगी। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा ना, वो मालकिन ने भी तो हाँ बोलना चाहिए ना। तो ये सब सारी परेशानी है। अब पेशेंट का जो पता है, तो पेशेंट को पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि 2016 में उनकी हिस्टेरेक्टोमी, मदर की बता रही हूँ, मदर की हिस्टेरेक्टोमी हुई थी 2016 को फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड देयर वाज प्रोलैप्स फीलिंग आल्सो। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटिस मेलेटस सिंस 1 to 2 years। इन द पास्ट शी हैड सोरियासिस एंड 1 year back जब भी उनका बेटा इंदौर पढ़ाई करने चला गया था तभी शी वेंट इनटू द डिप्रेशन, तभी अपने होम्योपैथिक मेडिसिन से शी फेल्ट बेटर। फैमिली हिस्ट्री में मदर सिस्टर भी हिस्टेरेक्टोमी है, फादर को कैंसर था। तो दिस इज़ द केस, प्लीज़ एनालाइज द केस।